तो इनका नाम हमने शक्ति रखा है। तो केयर भैया हमारी टीम बहुत अच्छे से कर रही है, मतलब मेरे लिए मेरे पास तो सच में बताऊँ तो शब्द नहीं है। शक्ति के छोटे छोटे बच्चे भी है ना, तो ये कुछ कह थोड़ी रहे हैं। मैं पहली बार मिल रही हूँ खुद भी। और पूरा इसका चेहरा खराब हो गया है, पूंछ भी काट दी गई है। तो इंसान ही इंसान है, कलयुग है ये। गंदा हादसा दिलेर के साथ हुआ है कि भाई थोड़ी बहुत शर्म कर लो, दिलेर के पाँव पे एसिड डाल दिया। तो भैया बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ का कलयुग है तो आज उसकी डेथ हो गई है। हम चाह के भी नहीं बचा पाए। अगर खाना दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। तो भैया अभी हम गए थे किसी मीटिंग में, वहां से आए हैं अभी, और अभी हमसे मिलने कौन आया है देखो, ये लड़की कौन है, इसको कौन कौन जानता है, क्या चल रहा है जीवन में? बहुत अच्छा चल रहा है, आपको मिलने आई हूँ मैं। थैंक यू, पहुंचे और मैंने तेरे गाने देखे, आजकल फुल हिट चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपकी कृपा है। तान्या के बहुत सारे गाने आ रहे हो, तान्या ने फार्म देखा तो बोले मुझे फार्म दिखा के लाओ कि फार्म में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी डॉग लवर है, एनिमल लवर। हाँ तो चले फिर, चलो चलते। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का कोई व्लॉग नहीं, आज की वीडियो है। और हमारे फार्म में कितने डॉग हैं और किसको क्या क्या हुआ है, आज मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ। और किसने कैसे क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं मिलवा देता हूँ शक्ति से। तो इनका नाम हमने शक्ति रखा है और इनके चार बच्चे हैं। और इसके पेट पे बहुत बड़ा कट भी है, जो अभी चार दिन पहले हमने स्टिच करवाया पूरा। अगर आप देख सकते हो तो देख लो, पास से नहीं दिखा सकता पर मैं आपको दूर से दिखा सकता हूँ। और इसकी वजह से बच्चे फीड नहीं कर पा रहे। अब ये चोट इसको लगी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रस्ते में थी, ये बच्चों के साथ फीड वीड कर रही थी, किसी बाइक वाले ने इसके ऊपर से बाइक चढ़ा दी और उसी टाइम इसका पूरा पेट फट गया। टांकों की बात की जाए तो नियर अबाउट 15 से 16 टांके लगे हैं। अगर हम बात करें इसकी केयर की तो केयर भैया हमारी टीम बहुत अच्छे से कर रही है। और जिसने ये किया है उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई थोड़ी बहुत शर्म कर लो। अगर ये कुत्ता किसी और का होता, किसका कोई मालिक होता और ये किसी ने घर में पाल के रखा होता, तो तुम, मैं कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं करते, तुम माफिया मांगते, हाथ पैर जोड़ते और जेल भी जाते। सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि फीमेल डॉग के साथ कैसे कर सकता है, मतलब सामने से पता लग रहा है कि ये अभी भी माँ बनी है और फीमेल डॉग के ऊपर किसी ने स्कूटी चढ़ा दी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये फीमेल डॉग है और अभी अभी जस्ट इन्होंने बच्चे दिए, इनके बच्चे भी यहाँ पे है। मतलब मेरे लिए मेरे पास तो सच में बताऊँ तो शब्द नहीं है, वेरी वेरी बैड। तो भैया इसका नाम हमने रखा शक्ति और इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, क्योंकि ये अपने चारों बच्चों के लिए जिंदा रही और उसके बाद हमारी टीम इसका बहुत ध्यान रख रही है। शक्ति के छोटे छोटे बच्चे भी है ना, ये शक्ति के छोटे छोटे बच्चे भी है। तो नेक्स्ट आपको एक डॉग से मिलवाते हैं। तो हमारे पास जो अगला डॉग है इसका नाम हमने भीम रखा है। और वो क्यों रखा है ये लगा लो, ये बहुत ही हस्तपुष्ट डॉग है। और इसके पाँव पे ना किसी ने ना भाई बहुत तेज से ना कुछ मारा है लोहे का, और पूरा पाँव आगे वाला राइट वाला पाँव पूरा खत्म हो गया। तो इसके साथ भी इंसानों ने किया है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो थोड़ा सा एग्रेसिव है ये, और खाना वाना इसने खा लिया है। अगर टाइम की बात करें तो मतलब पाँव देखा ही नहीं जा रहा, पट्टी वट्टी की है, पूरा पाँव गला हुआ है, आपने शायद देख ही लिया हुआ, हमने ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको दिखाया है। तो बस सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, जो भी हैं जितने लोग भी हैं, मत किया करो ऐसा, ध्यान रखो। डॉग है यार, कुछ मांगते थोड़ी, अगर आपके घर पे कुछ खाना बच भी जाता है वो भी आप इनको दोगे ना तब भी ये खुश है। इनको ना प्रॉपर्टी चाहिए आपकी, ना कुछ चाहिए, बस आपकी छोटी सी हेल्प की वजह से ये जिंदा रह सकते हैं। अब हमारे पास तो घर है, रहने के लिए छत है, गाड़ी है, अब बेचारों इनके पास तो सड़क है, अब सड़क में नहीं रहेंगे तो ये कहाँ रहेंगे, ये भी हमारे भरोसे ही है। और बेचारे इन पे बहुत जुल्म करते हैं। तो ये आज ही आया है, देखिए इसकी शक्ल देखिए बेचारा, ये इतना, ये इसको एक तो एनवायरनमेंट ही नहीं पता लग रहा, एनवायरनमेंट कैसा है। आई होप ये जल्दी रिकवर कर जाए। तो मैं मिलवा देता हूँ हमारा जो तीसरा डॉग है, इसका नाम है भूरा, और मतलब ये हमारे फार्म का पहला डॉग है। और इसके साथ तो इतनी ज्यादा बुरी हुई है कि अब तक ये रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि इसके ना दिमाग पे या बिल्कुल सामने एक मतलब जोर से लोहे की या फिर लठवट मार रखा है और पूरा इसका चेहरा खराब हो गया है। टाइम है रिकवर होने में, बीच में तो ऐसा लगता था मुझे ये जिंदा नहीं रह पाएगा, पर हमारी टीम ने दवाइयां दी, मेडिसिन दी, बहुत ध्यान रखा, अभी ये ठीक है। अगर बात की जाए तो भाई इसको भी कुछ इंसानों ने ऐसी चोट दी है कि मुझे नहीं लगता कि महीना 20 दिन से पहले ठीक हो पाए। तो अगला डॉग जो है इसका नाम है योद्धा, और योद्धा का कान पूरी तरह खराब हो गया था, इसमें कीड़े पड़े हुए थे। और जो हमारी टीम है इसको बहुत दूर से लेके आई थी, जहाँ से इसको लेके आई थी मतलब ये लगा लो पूरे कान में बहुत ज्यादा स्मेल थी, उसके बाद इसकी दवाई डाली, चीजें की, अभी ये ठीक है। और ये भी ये लगा लो 5-10 दिन में रिकवर होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रिलीज कर देंगे। और बस मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जहाँ भी आपको डॉग मिले आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप थोड़ा सी मदद करके प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये कुछ कह थोड़ी रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे, हमें तो नहीं कह रहे, कुछ लोग बोलते हैं हमें काटते हैं, हमें तो नहीं काट रहे। तो अगले डॉग से मिलवा देता हूँ आपको। तो हमारा नेक्स्ट डॉग है टुक टुक। देखो लोग कहते हैं कि भाई कुत्ते काटते हैं, कुत्ते काटते हैं, कहाँ से काटते हैं, ये देखो सामने हूँ मैं, ये देखो
मैं पहली बार मिल रही हूँ खुद भी, तो कुत्ते कभी नहीं काटते हैं, वो सिर्फ आपसे कुछ उम्मीद करते हैं खाने की। अगर आप खाना नहीं दे सकते हैं तो आप उनको मारिए मत। देखिए बेचारे कम से कम ये कुछ नहीं तो 4-5 महीने का बच्चा इसकी है। तो अगर बात करें ना, पूंछ भी काट दी गई है, मतलब इसके साथ तो इतना जबरदस्त हादसा किया किसी ने, मतलब दोनों पाँव इसके खत्म है, पूरी खाल छिल गई है और पीछे से पूंछ भी पूरी एक तरह से कट गई है। कट गई है और ये देखो पूरी पूंछ काट दी किसी ने और दर्द है इसकी पूंछ में भी, थोड़ा परेशान है। खाना वाना तो टाइम पे खा रही है पर वही है, टाइम लगता है चीजों को ठीक होने में। तो आदमी एक मिनट में मार देता पर इनको ठीक करने में टाइम लग जाता। तो अगला डॉग है मोती, और मोती को हमने आज से एक हफ्ता पहले रेस्क्यू किया था और इसके सिर में बहुत ज्यादा जख्म था। अभी अगर बात की जाए तो जख्म इसका 50% भर गया, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब जो पुरानी कहावत है, हल्दी का लेप लगाया, जिससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला इसको। तो इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। क्या हुआ था ना, इसके सिर में किसी ने चोट मारी थी बहुत तगड़ी वाली, जिससे क्या ना कीड़े पड़ गए थे। कीड़ों को फिर डॉक्टर हमारे जो है सोमवीर भाई, उन्होंने निकाला, उसका ध्यान रखा, और अभी अगर बात की जाए तो इसको भी 15-20 दिन लगेंगे ठीक होने में। तब तक ये यहीं पे है और इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। और ये सब कुछ जो भी चीजें करे, देखो एक इंसान है ठीक करने वाले, एक इंसान इनको चोट देने वाले, तो इंसान ही इंसान है आज के इंसान, मतलब अगर बात की जाए तो कलयुग है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये डॉग उनका पर्सनल होता, पाला हुआ होता, तो आज ये हॉस्पिटल में होता, क्योंकि स्ट्रीट डॉग है इसलिए यहाँ पे ठीक हो जाओगे बस कुछ टाइम में ठीक हो जाओगी। तो भैया ये है हमारी नैनो। नैनो के पाँव में बहुत ज्यादा चोट थी, पता नहीं इसको ईंट लगी, पत्थर लगी, कुछ चीजें हमें भी नहीं पता होती, हम भी क्यों झूठ बोले आपको। तो अभी इसके पाँव में रिकवरी है और 2-4 दिन में हम इसको रिलीज कर देंगे। बिल्कुल हमारे घर के पीछे ही है, अच्छा ही डॉग है, एक बार तो हमने इसको रिलीज कर दिया था दोबारा आ गया, तो ये तो समझ लो हमारा फैमिली मेंबर है, जाता आता रहेगा। हाँ भाई नैनो बता, थोड़ा ठीक है ना तू? बिल्कुल। बात करते हैं भैया, सबसे गंदा हादसा दिलेर के साथ हुआ है। दिलेर के पाँव पे एसिड डाल दिया, पूरा पाँव इसका एक तरह से खराब है, पाँव रख नहीं पाता। अगर आप इसका चेहरा देखोगे ना, ये बहुत ही होनहार डॉग है, मतलब फुल तकड़ा डॉग था। या तो किसी में भोका है, उसको लगा मुझे काटेगा, तो क्या था ना, इसको पूरे ऊपर तेजाब डाले थे, थोड़ा सा इसके पाँव पे यहाँ लगा और नीचे ज्यादा लग गया, तो ये वहां से भाग गया और किसी ने हमें कॉल की, हम वहां पहुंचे और हम इसको रेस्क्यू किया। तो इसके पाँव में बहुत ज्यादा जख्म है और इसको मुझे लगता है कि टाइम कुछ ज्यादा ही ले जाएगा, मतलब महीना लग सकता है इसको ठीक होने में। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझसे बहुत लाड़ लड़ाता है, बहुत प्यार करता है मुझसे। हाँ भाई हीरो। तो भैया बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ का कलयुग है डॉग, और आपने शायद देखा भी है, सभी ने देखा, क्योंकि ना उसके ना पीछे पाँव पे किसी ने बाइक चढ़वा दी। दो डॉग थे, एक तो पहले ही मर गया था, उसी टाइम मर गया था, फिर भी हमने उसको ग्लूकोज दी, दवाइयाँ दी, सब कुछ दिया, तो आज उसकी डेथ हो गई है। हम चाह के भी नहीं बचा पाए, थोड़ा बुरा लगता है चीज़ों के लिए, मतलब जितना हमसे हो पा रहा है, देखो हम तो कर ही रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, देख के आपको केयर करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ हादसा हो गया है, आप वहाँ रुको, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, केयर करो। अगर आप ये हरकतें कर रहे हो ना, तो कलयुग है, तो घूम फिर के आपके साथ भी होगा, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर भी जीव है, इसके अंदर भी जान है। तो बस मैं यही बोलूंगा सबसे, हाथ जोड़ के थोड़ा ध्यान रखो, ये कुछ नहीं लेते आपका, अगर खाना दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, पर मारा मारा मत करो। तो गाइस ये हमारा सम्राट, क्या करना, घास खानी है। सम्राट की आंखें कितनी सुंदर है ना। हाँ बिल्कुल उसकी तरह है। बोलते हैं सम्राट क्या खाता है। ये खाते हैं चने, क्या बोलते हैं इसको, घास। हाँ जी, क्या करना है, क्या करना है सम्राट। ये भी बेबी है, छोटा है ना अभी। हाँ, 7 महीने का है बेबी है ये, छोटा सा, ऐसे करना होता है सम्राट, ऐसा लगता है, क्या करना है सम्राट। चलो इसको खाने तो हम चलते हैं और देखते हैं। आज अब देखा नहीं था ना, रैबिट देखते हैं चलो। और ये हमारे बर्ड्स बहुत सारे हैं और इनके लिए हमने अंदर घर बना रखा है, जब ठंडी आएगी ना तो ये घर के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। और ये हमारे बर्ड, इनका भी हमने नाम नहीं रखा है क्योंकि बहुत सारे हैं, और इनमें दो 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 का नाम रखा है क्योंकि वो सेम है। अभी आपको दिखाते हैं हम रैबिट से। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि कल को आपके साथ ऐसा कुछ होता है या फिर कुछ आप करते हो तो आप प्लीज उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ रोड पे छोड़ के मत जाओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कल को इनके साथ ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच।